ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, और ये क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है, और जिस बच्चे को आइडेंटिटी याद होगी ना, वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। अदरवाइज तो आप भूल जाओ कि आप क्वेश्चन को यहाँ पे कुछ आगे सॉल्व भी कर सकते हो, आपको फिर मार्क्स सिर्फ यहीं तक के मिलेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी इसलिए बार बार कह रहा हूँ, लर्न होनी चाहिए, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलकू वाइब्स। लास्ट लेक्चर में हमने एलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन करे थे, आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप जाके उसको देख सकते हैं। आज हम टाइप टू प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं पॉलीनोमियल्स के, जिसमें हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के क्वेश्चन करने हैं, और उससे हम कैसे पॉलीनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको 3 to 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और एग्जाम में ये हमेशा पूछे जा रहे हैं आजकल, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लंबे भी होते हैं, और इसमें जो अब तक हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है उसका पूरा कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन को नोट करना है, वीडियो को पॉज करना है, और अगर आप उसको ट्राई कर सकते हैं तो खुद से एक बार ट्राई जरूर करना। आई बटन पे लास्ट के दोनों लेक्चर्स का लिंक मैंने दे दिया है, प्लीज जाके उसको जरूर देख लेना, उससे आपको कॉन्सेप्ट में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमने वन शॉट में भी ये चैप्टर फिनिश कर रखा है, और उसके बाद हमने एलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर प्रॉब्लम्स भी फिनिश कर दी थी, तो जाके उसे जरूर देख लेना। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ध्यान से स्टार्ट करना है बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्टेड। तो देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इसका मतलब इस पॉलीनोमियल के जीरोस आपको गिवन है, और वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। एक बार और पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 2x minus 3, मतलब इस polynomial के zeros क्या हैं? Alpha और beta. Find the polynomial whose roots are alpha plus 2 and beta plus 2. आपको कोई ऐसा polynomial find करना है जिसके zeros क्या होने चाहिए? Alpha plus 2 और beta plus 2. Point समझ रहे हो? अब सबसे पहले मैं यहाँ पे polynomial find करने का formula लिख देता हूँ। Px is equals to x square minus sum of zeros x plus product of zeros. यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में यही फॉर्मूला पढ़ा था, x square minus sum of zeros x plus product of zeros. ये पॉलीनोमियल निकालने का फॉर्मूला है। अब देखो, अल्फा और बीटा किसके जीरोज है भाई, इस पॉलीनोमियल के। वो पॉलीनोमियल क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो आप कहोगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। बी क्या होता है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स, पुट करो माइनस टू, और ए क्या होता है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी वन। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस प्लस टू। यहाँ तक की बात, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, टू, ठीक है। अब अल्फा और बीटा क्या होता है, वो होता है सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सी की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री, और ए की वैल्यू क्या है, वन। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन वन, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई माइनस थ्री, ठीक है। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब पॉलीनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बट जो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस है वो ये नहीं है सम ऑफ जीरोस, वो इसका सम निकालना है आपको, क्योंकि आपको जो पॉलीनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोस ये और ये होने चाहिए। तो अगर जो आपको पॉलीनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोस ये और ये हैं, तो आपको इसका सम निकालना है और इसका प्रोडक्ट निकालना है, और देन इस इक्वेशन में पुट करना है। बात समझो थोड़ी सी, आपको जो पॉलीनोमियल निकालना है उसके जीरोस अल्फा प्लस टू और बीटा प्लस टू होने चाहिए, अल्फा और बीटा नहीं, ठीक है। तो हम इसका सम निकालेंगे और इसी का प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखो ध्यान से, सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या दे रखे हैं हमें, अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू, तो इसका सम क्या होगा, अल्फा प्लस टू प्लस बीटा प्लस टू, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा एक साइड कर लो, एन टू प्लस टू फोर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो क्या, प्लस टू, तो टू प्लस फोर सिक्स, मतलब सम की वैल्यू क्या आ गई, सिक्स। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसे, अल्फा प्लस बीटा प्लस फोर और टू प्लस फोर इक्वल टू सिक्स। अब ऐसे ही हम इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फा प्लस टू मल्टीप्लाई बीटा प्लस टू, चलो भाई मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा प्लस टू,
अल्फा बीटा प्लस टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस फोर। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम? अब देखो ध्यान से, यहाँ से टू कॉमन आ रहा है तो इसको पहले तमीज से लिख लेते हैं। टू कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस फोर। अल्फा बीटा की वैल्यू देखो क्या आ रही है, माइनस थ्री, पुट कर दो तुरंत। टू इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस टू प्लस फोर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? टू। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी? माइनस थ्री और प्लस फोर। अब ध्यान से देखो, माइनस थ्री, टू टू ज़ा फोर, प्लस फोर, फोर प्लस फोर एट, एट माइनस थ्री फाइव। तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? फाइव। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ध्यान से देखो एक बार, अल्फा बीटा, टू अल्फा, टू बीटा, टू टू ज़ा फोर, टू कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा बच गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे क्वेश्चन में, प्लस टू, तो टू टू ज़ा फोर, फोर प्लस फोर एट, एट माइनस थ्री फाइव। तो हमने सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया, अब क्वेश्चन को फिनिश करने की बारी है। तो देखो भाई, पॉलिनॉमियल निकालने का फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसके बाहर एक कॉन्स्टेंट भी हम लगाते हैं के, ठीक है, वो भी लगा लेना भाई, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिख दिया हमने, अब लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है? ये नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका सम और इसका प्रोडक्ट था। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है? सिक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है? फाइव। तो आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। ध्यान से एक बार और देख लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। हमारे पास जो पॉलीनोमियल था उसके जीरोस अल्फा और बीटा गिवन थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, वहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। लेकिन जो हमें पॉलीनोमियल फाइंड करना था उसके जीरोस अल्फा प्लस टू और बीटा प्लस टू होने चाहिए थे, ठीक बात है। तो हमने इन दोनों का सम निकाला, ये रहा, हमने इसका प्रोडक्ट निकाला, ये रहा, और जो पॉलीनोमियल का फॉर्मूला था उसमें पुट कर दिया, ठीक है, क्लियर है। एक बार इसको नोट कर लो, और जिससे खुद से ट्राई करना था, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, आपका आंसर मैच कर सकते हो आप। तो एक बार इसे देख लो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन की तरह ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस फोर्टीन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज जीरोज आर वन अपॉन अल्फा एंड वन अपॉन बीटा। एक बार और पढ़ते हैं। If alpha and beta are the zeros of x square minus 9x plus 14, find a quadratic polynomial whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon beta. समझ में आया? देखो ध्यान से। Alpha और beta इस polynomial के zeros हैं। Alpha और beta इस polynomial के zeros हैं। आपको जो polynomial find करना है उसके zeros क्या होने चाहिए? 1 upon alpha, 1 upon beta. सबसे पहले polynomial find करने का formula दिमाग में होना चाहिए। K एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है उसको देखो। तो जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस फोर्टीन, ठीक है। इसके जीरोज क्या है? तो आप कहोगे इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, यही है। तो अल्फा एंड बीटा अगर इसके जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ही होता है, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस नाइन। और ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस माइनस प्लस नाइन, क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? प्लस नाइन। अच्छा, अब प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या है? तो अब ध्यान से देखो, सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है? 14। और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। तो 14 अपॉन 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 14, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज 9, अल्फा बीटा इज 14। लेकिन आपको जो पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोस क्या होने चाहिए? 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो आपको इनका सम और इसका प्रोडक्ट निकालना है। इतनी बात तो अब क्लियर हो गई होगी। तो चलो उसका निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम ले लो भाई, जैसे ही आप एलसीएम लोगे वो क्या आएगा? अल्फा बीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बीटा प्लस
अल्फा, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है 9, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 14, तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आ गई 9 बाय 14। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, ध्यान से एकदम करना है, ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसा बोला है बस करते रहना उसे। प्रोडक्ट निकाल लो, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा, यानी 1 अपॉन 14। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। सम आ गया 9 अपॉन 14, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया 1 अपॉन 14, तो बस पॉलीनोमियल निकालने का फॉर्मूला लिखो। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था, बोलो भाई, अरे बोलो भाई, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, यही फॉर्मूला था, बस पुट कर दो अब, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की वैल्यूज क्या आई है 9 बाय 14 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या आई है 1 बाय 14। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। आप इसको अगर और सिंप्लीफाई वे में लिखना चाहते हो तो लिख लो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 14 आ जाएगा इसका, तो यहाँ पर आएगा 14x² - 9x + 1, नीचे इसके क्या आएगा 14, ठीक है। और अगर सिंप्लीफाई में लिखना है तो देखो भाई, के बाय 14 पूरा बाहर निकाल लो, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 14x² - 9x + 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। जिन्होंने भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई किया था तो फाइनल आंसर आप मैच कर सकते हो, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो थोड़ा सा लेंदी भी है, तो जो हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन करे थे वो 2 और 3 मार्कर्स में आ सकते हैं, ये थोड़ा सा है, 3 मार्कर में तो डेफिनेटली आ ही सकता है, तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। एक बार इसको फॉर्मूले को भी याद रखना है और ऐसे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लो, देख लो इसे। तो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू x² - 8x - 20, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, If alpha and beta are the zeros of x² - 8x - 20, find a quadratic polynomial whose zeros are alpha upon beta and beta upon alpha. तो alpha beta किसके zeros हैं? इस polynomial के, ठीक है। आपको जो polynomial find करना है उसके zeros क्या होने चाहिए? Alpha upon beta and beta upon alpha. इतनी सी बात क्लियर है? अब एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि polynomial को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पहले के लिख लेते हैं, ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये पॉलीनोमियल को निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जो हमें दे रखा है पहले उसकी बात करते हैं, तो हमें जो पॉलीनोमियल दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x - 20, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बोलो भाई, अब तक तो लर्न कर लिया होगा, अगर अब तक भी लर्न नहीं किया है तो सबसे बड़े बेवकूफ हो आप, क्योंकि अगर आपको अभी भी फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप सोचो आप क्या ही कर रहे हो फिर, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, जो कि एक्स का कोफिशियंट है यानी -8, और ए जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है यानी कि 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 8, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 8, क्लियर है। चलो अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है -20, और ए क्या है 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, क्या आ गई -20, ठीक है। चलो हमें जो पॉलीनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोस क्या होने चाहिए, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, तो हम इसका सम निकालेंगे और इसी का क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो देखो सम ऑफ जीरोस, समझ आ रहे हो भाई, कर लोगे, ठीक है, बस ध्यान से आराम से करना है। चलिए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अब यहाँ पर अगर जिस बच्चे को आइडेंटिटी याद है वो खेल जाएगा, जिसको याद नहीं है घर जाएगा। चलिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम है अल्फा बीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा स्क्वायर,
और यहाँ पे क्या आएगा, बीटा स्क्वायर। अब मैंने सेकंड लेक्चर में ही ये बताया था अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये वाली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। याद आया? अरे हाँ, ये तो वही आइडेंटिटी है, बिल्कुल भाई वही आइडेंटिटी है, रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 8, 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 20 अपॉन अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस 20। सो 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस, 20 इंटू 2 40 डिवाइडेड बाय माइनस 20, 64 प्लस 40 प्लस करो 104 अपॉन माइनस 20, काट दो इसे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से 10 पे घट गया, और काटो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा, तो सम की वैल्यू आ गई माइनस 26 अपॉन 5। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 26 अपॉन 5। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, उसका प्रोडक्ट कर लो, अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया, ओनली 1। अब हमने पॉलीनोमियल निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस पुट कर दो वहां पे। फॉर्मूला क्या था, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आई, माइनस 26 अपॉन 5। सो माइनस 26 अपॉन 5 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो अब आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 5, तो यहाँ आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 26x और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 5। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है? आप इसको और सिंप्लीफाई तरीके से भी लिख सकते हो, 5 को भी नीचे बाहर निकाल लो, तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों प्रॉब्लम्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, और ये क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, और जिस बच्चे को आइडेंटिटी याद होगी ना, वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, अदरवाइज तो आप भूल जाओ कि आप क्वेश्चन को यहाँ पे कुछ आगे सॉल्व भी कर सकते हो, आपको फिर मार्क्स सिर्फ यहीं तक के मिलेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटीज इसलिए बार बार कह रहा हूँ, लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो, और जो बच्चा वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कर रहा था उसका आंसर ही आ रहा। ठीक है, मैच कर लो एक बार, तो देख लीजिए इसको एक बार। तो भाई, पॉलीनोमियल चैप्टर आज यहाँ पे समाप्त होता है। एलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर प्रॉब्लम्स थी, हमने लास्ट लेक्चर में उसको फिनिश किया था। आज हमने पॉलीनोमियल को कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, उसको भी फिनिश कर लिया है। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है पॉलीनोमियल चैप्टर की। एक भी मार्क्स इस चैप्टर से कटना नहीं चाहिए। आपने खुद देखा होगा, अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो इस चैप्टर में उतना कुछ है नहीं, तो प्लीज आइडेंटिटीज याद करो। मैंने आपको बताया था, एक रजिस्टर बनाओ जिसमें आपके सारे चैप्टर्स की फॉर्मूले की लिस्ट होनी चाहिए, और उसको हर बार रिवाइज करते रहो। तो पॉलीनोमियल चैप्टर का डी एंड हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम शायद से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा चैप्टर होगा वो। तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।